वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है ये प्रसन्नता और गर्व की बात है कि कस्बों और गाँव में यानी देश में हर जगह बच्चे युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं हमारे देशवासी बड़े उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं स्वाधीनता दिवस का उत्सव मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद भी दिलाता है अपने गांव के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने की हमारी खुशी रोके नहीं रुकती थी जब त्रिरंग का जाता था तो हमें लगता था जैसे हमारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो देशभक्ति के गौरव से भरे हुए हृदय के साथ हम सब राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते थे तथा तो राष्ट्रगान गाते थे मिठाइयाँ बटी जाती थी और देशभक्ति के गीत गाए जाते थे जो कई दिनों तक तो हमारी मन में गूंजते रहते थे ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं स्कूल में शिक्षक बनी तो मुझे उन अनुभवों को फिर से जीने का अवसर प्राप्त हुआ जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने खुशी को बच्चों की तरह व्यक्त नहीं कर पाते लेकिन मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय पर्व से जुड़े देशभक्ति की गहरी भावना में तनिक भी कमी नहीं आती है स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं है बल्कि हम एक ऐसे महान जनसमुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव तो में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं हमें हर एक की अलग अलग पहचान है जाति पंथ भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़े पहचान भी होती है लेकिन हमारे एक पहचान ऐसे है जो इन से ऊपर है और हमारी वो पहचान है भारत का नागरिक होना हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक है हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध है तथा तो हमारे कर्तव्य भी समान है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थीं किंतु लंबे समय तक तो चले उपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था 15 अगस्त उन्नीस के दिन देश ने एक नया सपेरा देखा उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल की है हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की हमारी स्वाधीनता के साथ विदेशी शासन को द्वारा उपनिवेश को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा हमारे द्वारा स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण था ही लेकिन उससे भी अधिक उल्लेखनीय है हमारे स्वाधीनता संग्राम का अनोखा तरीका महात्मा गांधी तथा तो अनेक असाधारण एवं दूर्दी विभूतियाँ के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अद्वितीय आदर्श से अनुप्राणित था गांधी जी तथा तो अन्य महानायकों ने भारत की आत्मा को फिर से जगाया और हमारी महान सभ्यता के मूल्यों का जन जन में संचार किया भारत के ज्वलंत उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमारे स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला सत्य और अहिंसा को पूरी दुनिया के अनेक राजनीतिक संघर्षों में सफलतापूर्वक अपनाया गया है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत के नागरिकों के साथ एकजुट होकर सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उनके असंख्य बलिदानों से भारत ने विश्व समुदाय में अपना स्वाभिमानपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त किया मातंगिनी हाजरा और कोनकोलता बरुआ जैसे वीरांगनाओं ने भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिया माँ कौस्तूरबा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर सत्याग्रह के मार्ग पर चलती रही सरोजनी नायडू अमो स्वामीनाथन रमा देवी अरुणा अशफ अली और सुचेता कृपालानी जैसे अनेक महिला विभूतियों ने अपने बाद की सभी पीढ़ियों की महिलाओं के लिए आत्मविश्वास के साथ देश तथा तो समाज की सेवा करने के प्रेरक आदर्श प्रस्तुत किए हैं आज महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं तथा तो राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं आज हमारी महिलाओं ने ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बना लिया है जिनमें कुछ दोषों को पहले उनकी भागीदारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे देश में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है आर्थिक सशक्तिकरण से परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है मैं सभी देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें मैं चाहूँगी कि हमारी बहनें और बेटियाँ साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें महिलाओं का विकास स्वाधीनता संग्राम के आदर्श में शामिल है प्यारे देशवासियों स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए अपने इतिहास से पुनः जुड़ने का अवसर होता है ये हमारे वर्तमान का आकलन करने और भविष्य की राह मनाने के बारे में चिंतन करने का अवसर भी है आज हम देख रहे हैं कि भारत ने न केवल विश्व मंच पर अपना यथाचित स्थान बनाया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया भी है अपनी यात्राओं और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के दौरान मैंने अपने देश के प्रति उनमें एक नया विश्वास तथा गौरव का भाव देखा है भारत पूरी दुनिया में विकास की लक्ष्य और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण तो भूमिका निभा रहा है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अग्रणी स्थान बनाया है तथा जी ट्वेंटी देशों की उद्योगता का दायित्व भी संभाला है क्योंकि जी ट्वेंटी समूह दुनिया की दो तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए ये हमारे लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने का एक अद्वितीय अवसर है जी ट्वेंटी की अध्यक्षता के माध्यम से भारत व्यापार और बीत के क्षेत्र में हो रही निर्णयों को न्याय संगत प्रगति की ओर ले जाने में प्रयासरत है व्यापार और बीत के अलावा मानव विकास से जुड़े विषय भी कार्यसूची में शामिल किए गए हैं ऐसे कई मुद्दे जो पूरे मानवता के लिए महत्वपूर्ण तो है और किसी भौगोलिक सीमा से बंधे हुए नहीं हैं मुझे विश्वास है कि भारत के प्रभावी नेतृत्व के साथ जी ट्वेंटी के सदस्य देश उन मर्चों पर उपयोगी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे भारत की जी ट्वेंटी की अध्यक्षता में एक नई बात यह है कि डिप्लोमेसी को जमीन से जोड़ा गया है एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक गतिविधि में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरह का पहला अभियान चलाया गया है उदाहरण के लिए ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि स्कूलों और कॉलेजों में जी ट्वेंटी से जुड़े विषयों पर आयोजित की जा रही गतिविधियों में विद्यार्थी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं जी ट्वेंटी से जुड़े कार्यक्रम के बारे में सभी नागरिकों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है प्यारे देशवासियों सशक्तिकरण की भावना से युक्त इस उत्साहों का संचार आज संभव हो पाया है क्योंकि हमारा देश सभी मोर्चों पर अच्छी प्रगति कर रही है मुश्किल दौर में भारत की अर्थव्यवस्था न केवल समर्थ सिद्ध हुई है बल्कि दूसरों के लिए आशा का स्रोत भी बनी है विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ नाजुक दौर से गुजर रही है वैश्विक महामारी के कारण हुई आर्थिक संकट से विश्व समुदाय पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया था कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो रही घटनाओं से अनिश्चितता का वातावरण और गंभीर हो गया है फिर भी सरकार कठिन परिस्थितियों का अच्छी तरह सामना करने में सक्षम रही है देश ने चुनौतियों को अवसरों में बदला है और प्रभावशाली जीडीपी ग्रोथ भी दर्ज की है हमारे अन्नदाता किसानों ने हमारे आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है राष्ट्र उन कारण है वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन चिंता का कारण बनी हुई है लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने में सफल रही है सरकार ने जन सामान्यों पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया है और साथ ही गरीबों को व्यापक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है वैश्विक आर्थिक विकास के लिए दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई है आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है हमारी आर्थिक प्रगति की इस यात्रा में समावेशी विकास पर जोर दिया जा रहा है निरंतर हो रही आर्थिक प्रगति के दो प्रमुख आयाम हैं एक और व्यवसाय करना आसान बनाकर और रोजगार के अवसर पैदा करके उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है दूसरे और जरूरतमंदों की सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्र में पहल की गई है तथा तो व्यापक स्तर पर कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया जा रहे हैं। वंचितों को वरीयता प्रदान करना हमारी नीतियों और कार्य के केंद्र के में रहता है परिणामस्वरूप पिछले दशकों में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकलना संभव हो पाया है इसी प्रकार आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें प्रगति की यात्रा में शामिल करने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है मैं अपने आदिवासी भाई बहनों से अपील करती हूँ कि आप सब अपने परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता को अपनाएं मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास संबंधी सरकारों को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है मैं एक शिक्षक रही हूँ इस नाते भी मैंने ये समझा है कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है बस 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बदलाव आना शुरू हो गया है विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों और शिक्षा के साथ मेरी बातचीत से मुझे ज्ञात हुआ है कि अध्ययन की प्रक्रिया अधिक फ्लेक्सिबल हो गया है इस दूरदर्शी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य प्राचीन मूल्यों को आधुनिक कौशल के साथ जोड़ना है इससे आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे और परिणामस्वरूप देश में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा भारत की प्रगति को देशवासियों विशेषकर युवा पीढ़ी के सपनों से शक्ति मिलती है विकास के अनंत संभावनाएं देशवासियों की प्रतीक्षा कर रही है स्टार्टअप से लेकर कूद तक तो हमारी युवाओं ने उत्कृष्टता के नई आसमानों की उड़ान भरी है आज के नई भारत की महत्वाकांक्षाओं के नई खितिज असीम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नई ऊंचाई को छू रहा है और उत्कृष्टता के नई आयाम स्थापित कर रहा है इस वर्ष इसरो ने चंद्रयान लॉन्च किया है जो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और कार्यक्रम के अनुसार उसका विक्रम नामक लैंडर तथा तो प्रज्ञान नामक रोवर अगले कुछ ही दिनों में चंद्रमा पर उतरेगा हम सभी के लिए वो गौरव का क्षण होगा और मुझे भी उस पल का इंतज़ार है चंद्रमा का अभियान अंतरिक्ष के हमारे भावी कार्यक्रम के लिए केवल एक सीढ़ी है हमें बहुत आगे जाना है अंतरिक्ष अभियान में ही नहीं बल्कि धरती पर भी हमारे वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिस्ट देश का नाम रोशन कर रहे हैं अनुसंधान नवाचार तथा तो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अगले पाँच वर्षों में पचास हजार करोड़ रुपये की राशि के साथ सरकार द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया जा रहा है ये फाउंडेशन हमारी कॉलेजों विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट को आधार प्रदान करेगा उन्हें विकसित करेगा तथा तो आगे ले जाएगा प्यारे देशवासियों ज्ञान विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है बल्कि हमारे लिए ये मानवता के विकास के साधन है एक क्षेत्र जिस पर पूरे विश्व के वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को और अधिक तत्परता से ध्यान देना चाहिए वो है जलवायु परिवर्तन हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में एस्ट्रीम वेदर इवेंट्स हुई है देश के कुछ हिस्सों में असाधारण बाढ़ का सामना करना पड़ा है कुछ स्थान सूखे की मार झेलते हैं इन सब का एक प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग को भी माना जाता है अतः पर्यावरण के हित में स्थानीय राष्ट्रीय तथा तो वैश्विक स्तर पर प्रयास करना अनिवार्य है इस संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व लक्ष्य को प्राप्त किया है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान को भारत ने नेतृत्व प्रदान किया है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में हमारा देश अग्रणी भूमिका निभा रहा है विश्व समुदाय को हमने लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर इन्वयरमेंट का मंत्र दिया है प्यारे देशवासियों और सामान्य मौसम की घटनाएं सभी पर असर डालती है लेकिन गरीब और वंचित वर्गों के लोगों पर उनका और अधिक प्रभाव पड़ता है शहरों और पहाड़ों क्षेत्रों के जलवायु परिवर्तन की स्थितियों का सामना करने के लिए विशेष रूप से सक्षम बनाने की आवश्यकता है मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग की संस्कृति दुनिया को प्रकृति से दूर करती है और अब हमें ये एहसास हो रही है कि हमें अपनी जोड़ों की ओर लौटना चाहिए आज भी अनेक जनजातीय समुदाय ऐसे हैं जो प्रकृति के बहुत करीब और प्रकृति के साथ सौहार्दना कर रहते हैं उनके जीवन मूल्यों और जीवन शैली क्लाइमेट एक्शन के क्षेत्र में अमूल्य शिक्षा प्रदान करते हैं जनजातीय समुदायों द्वारा युगों से अपना अस्तित्व बनाए रखने के रहस्यों को एक शब्द में ही व्यक्त किया जा सकता है और शब्द है हमदर्दी जनजातीय समुदाय के लोग प्रकृति को माता समझते हैं तथा तो उसकी सभी संतानों अर्थात वनस्पतियों और, और जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं कभी कभी दुनिया में हमदर्दी की कमी महसूस होती है लेकिन इतिहास साखी है कि ऐसे दौर केवल कुछ समय के लिए ही आते हैं क्योंकि कोरोना हमारा मूल स्वभाव है मेरा अनुभव है कि महिलाएं हमदर्दी के महत्व को और अधिक गहराई से महसूस करती हैं और जो मानवता अपनी राह से भटकती है तो वे सही रास्ता दिखाती है हमारे देश ने नए संकल्पों के साथ अमृतकाल में प्रवेश किया है तथा तो हमें भारत का वर्ष दो हज़ार तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आइए हम सभी अपने संविधानिक मूल कर्तव्य को निभाने का संकल्प लें तथा तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें ताकि हमारा देश निरंतर उन्नति करते हुए कर्मठता तथा तो उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां हासिल करे प्यारे देशवासियों हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शक दस्तावेज है संविधान की प्रस्तावना में हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्श समाहित है आइए हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़ें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं पुनः आप सबको विशेष रूप से सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना के जवानों अंतरिक्ष सुरक्षा प्रदान करने वाले सभी बोलों एवं पुलिस के जवानों तथा तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को बधाई देती हूँ सभी प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ धन्यवाद जय हिंद जय भारत माई डियर फेलो सिटीजन्स माई हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स टू यू ऑन आवर 77th Independence Day, it is a glorious and auspicious occasion for all of us. I am overjoyed to see that festivity is in the air. It is a matter of delight as well as pride for us to see how everyone, children, youth, and the elderly in cities and villages everywhere in India are excited and preparing to celebrate this festival of our freedom. The people have been celebrating Ajadi Ka Amrit Maheshav with great enthusiasm. Independence Day celebrations also remind me of my childhood days. We could not contain our excitement of participating in the Independence Day celebrations in our village school. When the tricolor was hosted, we felt an electrifying energy pass through us with our hearts full of patriotic pride, we salute the national flag and sang the national anthem, sweets were distributed and patriotic songs were sung, which kept playing in our minds for many days. I was fortunate in having an opportunity to relive these experiences when I became a school teacher. When you grow up, we may not remain as expressive of our Joy as children are. But I am sure that the intensity of the patriotic feelings associated with the celebration of national festival is not diminished at all. Independence Day reminds us that we are not merely individuals, but we are part of a great community of people. It happens to be the biggest and the greatest community of its kind. It is the community of the citizens of the world's largest democracy. What we celebrate on Independence Day is the fact that we are part of a great democracy. Each of us has many identities, apart from caste, creed, language, and region. We are also identified with our families and professions. But there is one identity that is above all that is our identity as citizens of India. Each one of us is an equal citizen. Each one of us has an equal opportunity, equal rights, and equal duties in this land. But it was not always so. India is the mother of democracy, and since ancient times, we had democratic institutions functioning at the grassroots. But long years of colonial rule wiped them out. On 15th August 1947, the nation woke up to a new dawn. We not only own freedom from foreign rule, but also the freedom to rewrite our destiny. With our independence began the era of foreign rulers, withdrawing from many colonies, and colonialism drew close to its end. What is special about our freedom struggle is not only the fact that its objective was achieved, but also how it was fought. Under the leadership of Mahatma Gandhi and a galaxy of extraordinary visionary leaders, our national movement was animated by a unique set of ideals. Gandhiji and others rekindled the soul of India and helped the nation rediscover its civilizational values. Following Indian Shining example truth and nonviolence the cornerstone of our resistance has been successfully employed in many political struggles around the world on the eve of independence day i join my fellow citizens in paying grateful tribute to the known and unknown freedom fighters whose sacrifices have made it possible for india to regain its rightful place in the committee of nations. Great women freedom fighters like Matangini Hajra and kanakolata Borua laid down their lives for Bharat Mata. Ma Kosturaba missed the father of the nation Mahatma Gandhi every step of the way on the difficult path of Satyagraha. Many great women leaders like Sarojini Naidu Amu Savinathan, Ramadevi, Oruna Asabali and Sucheta Kriplani had set inspiring ideals for all future generations of women to serve the nation and the society with self-confidence. Today, women are contributing extensively in every field of development and service to the country and are enhancing the nation's pride. Today, our women have made their special place in many such fields in which their participation was unimaginable a few decades ago. I am happy to note that the economic empowerment of women is being given special focus in our country. Economic empowerment strengthens the position of women in the family and society. I urge all fellow citizens to give Priority to women empowerment. I would like our sisters and daughters to overcome challenges with courage and move ahead in life. Development of women was among the ideals of our freedom struggle. Dear citizens, Independence Day is an occasion to reconnect with our history. It is also an occasion to Assess our present and reflect about our way forward. Looking at the present, we see that India has not only regained its rightful place on the world stage, but it has also enhanced its standing in the international order. During my visits and interactions with the members,